हाय दोस्तों, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी। वेलकम आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, और यहाँ पे हो चुकी है बारिश का मौसम। बहुत ही गंदा, ब्लैक ब्लैक, अंदर तो ऐसे लग रहा है कि अंधेरा ही हो गया है। ये बैठा है मेरा बेबो। मेरी बेबो बैठी है ना, मेरी बेबो ने खाना खा लिया। मम्मा ने खाना दे दिया तुझे? गाइज, आज मैं आपको मिलाती हूँ मेरी भैंसों से। मम्मी भैंसों का काम कर रही है, और यहाँ बहुत तेज हवा चलने अलग से मौसम हो चुका है कुछ इस तरीके का। चलो, हमारे घर में 3 जानवर हैं, काली, शिवानी और गोलू। गोलू तो मेरा फेवरेट है। अभी दिखाती हूँ मैं मेरी गोलू मोल से मिलाती हूँ तुम्हें आज। ये हम पहुँच चुके हैं हमारे गोट में। ये है मेरे फेवरेट बॉय, इसका नाम है गोलू। और ये है शिवानी, ये भी अच्छी है, गंदी नहीं है। ये तो बहुत ही गंदी है, इसका नाम है काली, है ना मम्मी? ये मारती है ना, ये वाली, इसीलिए इसको मैं गंदी बोलती हूँ। क्योंकि ये मारती है। नहीं यार, अच्छी है, दूध यही देती है। मगर ये मुझे मारने आती है ना, आजकल मारने नहीं आती है। जब से मैं गोलू के पास रोज मिलने आती हूँ तो ये मुझे मारने नहीं आती है। पहले जब मैं एक बार फर्स्ट आई थी तो किसी मारने आ रही थी ना, अब उतना नहीं करती है। और मम्मी यहाँ पे कर रही है काम, ये सब कचर कर देते हैं पूरा, इसी वजह से। ये है हमारी प्यारे प्यारे से गोट वाले जानवर, ये भी फैमिली मेंबर्स ही हैं यार। मगर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना गोलू? देखो मम्मी कितना अच्छा है। कितना आटा खिलाऊं मैं तुझे? दिया अभी तो दिया। सो ये हमारा ये गोट वाला पोर्शन ना बिल्कुल अलग है, इस वजह से किसी को दिखता नहीं है कि हमारे घर में जानवर भी हैं। एकदम सेपरेटली बना रखा है ना, तो ये पता भी नहीं चलता है। और जैसे यहाँ का सारा चीज़ इसके अंदर ही है। दिखाती हूँ मैं पूरा, जैसे कुट्टी मशीन यहाँ पे है, ये हाथ वाली कुट्टी मशीन है, हाथ से घास काटते हैं। और ये चरी वरी, और इस साइड ये हमने रखे हैं कूलर वगैरह। और उधर जो कॉर्नर में से दरवाजा है वहाँ पे है भूसा घर, उसकी खिड़की है ये बंद ही रहती है। तो ये पूरा सेपरेट है, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता है, मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता कि हम लोग यहाँ हल्द्वानी में रह के भी जानवर बट हम पालते हैं। गाइस, हम पहाड़ी हैं। जानवर पालना पहाड़ियों की शान है ना मैम? बताओ, मतलब पहाड़ी, कोई भी पहाड़ी हो, मतलब एक ना एक तो, वैसे हमारी फैमिली में रहते ही हैं जानवर। देहरादून बुआ लोग हैं, वो लोग भी देहरादून रह के वो लोग जानवर पालते। हम तो हल्द्वानी हैं यार, और हमारी शान है पहाड़ियों की। सो कौन कौन एग्री करता है इस बात में, कमेंट करना ज़रूर। नहीं, दादी आ गई मंदिर से। इधर आ। कितना गंदा मौसम हो गया अभी, हाउ वाला मौसम हो गया, बंद है। देखो कितना खौफनाक मौसम हो गया गाइस, बारिश भी आ गई है। और अच्छा अच्छा फील हो रहा है आज तो, बारिश में ठंडा ठंडा। ये पेड़ पौधे नाचने लग गए हैं, मीटू से डांस करने लग गए हैं खुशी से, क्योंकि हवा चलने लगी है ना, तो उन्हें भी अच्छा फील हो रहा है। मगर गाइस मौसम देखो, ऐसा लग रहा है ना अंधेरा ही हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, पूरी तरफ बादल ही बादल, जैसे शाम हो गई हो, पूरा ऐसा फील हो रहा है। और मम्मी चली गई हैं ओरियो को घुमाने, क्योंकि अभी बारिश आ जाएगी तो फिर नहीं जा पाएंगे, और ओरियो जाता है घूमने इधर। देखो भैया, हेलो हेलो,
मौसम देखो, ये भी बाहर व्लॉग बना रहे हैं मेरी तरह। मौसम देखो बाबरे, धूल देखो गाइस, कोहरे जैसी। मम्मी जल्दी आओ। अरे आ गई यार, बात बयाना। आंधी आने लग गई गाइस, अब हम जा रहे हैं अंदर। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है हल्द्वानी में? मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है, देखो आज दिन हो रहा है। बस सोचो कितना गंदा मौसम हो गया। बिल्कुल दिन में ही अंधेरा हो चुका है, ये लाइट जलती है रात को, जब अंधेरा हो जाता है तो ये दिन में ही जल गई अपने आप, क्योंकि सौर ऊर्जा लाइट है। तो आप देख सकते हो कि दिन में कैसे हो गया। अब होने लगी है बारिश और ठंडा भी होने लगा है। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम को बज चुके हैं 5:30 और मैंने सब्जी काट दिया, मम्मी ने दाल चढ़ा दी है, दिखाती हूँ। ये है हरी सब्जी जो हम आज बनाएंगे, मैंने काट दिया। और ये है दाल, अभी मम्मी आटा गूंदेंगी और चावल चढ़ाएंगी, फिर हम बनाएंगे रोटी फटाफट से, फिर करेंगे कीर्तन भजन आरती, उसके बाद डिनर करेंगे। मैंने अपना काम कर लिया है और मैं आ चुकी हूँ रोटी बनाने, दिखाती हूँ आज हमारे घर में क्या क्या बना है डिनर में। तो ये है आलू, जीरा, ये हरी सब्जी, ये तो दाल है, ये है चावल, ये है आटा, और ये मम्मी जा रही है। अब किसके पास जा रही हो तुम? मम्मी को काली की याद आ रही है, मम्मी काल के पास जा रही है दूध निकालने। और ये खोल रही है दाल चेक कर रही है मम्मी। अब इतनी टेस्टी टेस्टी दाल होनी है, जिसका जिसका फास्ट है और बहुत तेज भूख लगी वो आ जाओ हमारे घर, डिनर में इनवाइटेड हो। मम्मी है सब इनवाइटेड है, तो जो जो वीडियो देख रहा है वो कल आ जाना डिनर पे। कल कुछ अलग ही मेन्यू होगा, रोज अलग अलग मेन्यू होता है हमारे यहाँ। इतनी यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी सिक चुकी हैं। ये है मेरी असिस्टेंट, इसको तो जानते ही होगे। तुम कौन हो फिर? जूनियर असिस्टेंट। नहीं, सब बन चुका है यहाँ खाना, फाइनल सब कर रहे हैं। ये है मेरी थाली। तो हमारा डिनर हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे सोने। इसी के साथ ये वीडियो की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।